hello friends welcome to in the map myself kavita prohit your sst teacher today we are going to start we are going to start a new lesson a model of the earth earlier we have done lesson 2 and lesson 3 they have been divided in the unit 1 okay i have selected this lesson for the half yearly we'll do this lesson in the half yearly syllabus and your half yearly syllabus is starting now so A model of the earth what time is it at your place right now note it down. Okay. Model of the Earth ka का मतलब क्या हुआ ka का एक नमूना है ना tarah तरह एक पैटर्न बनाते हैं या एक नमूना बनाते हैं जिससे इजी हो जाता है समझने के लिए सो अ मॉडल ऑफ द अर्थ What टाइम इज at योर प्लेस राइट now? अभी हमारी क्या टाइम हो रही है whatever it is time note it down now find out what time is it in new zealand and germany using the internet and you have to find it out this is a small homework for you all do you find any difference in the time as compared to the time in india okay you will definitely find a difference in the time of the two or three countries which has been mentioned here note down your observation time in india you have to write whatever time it is now now you have to find out the time in new zealand and you have to find the time in germany okay i hope you'll do this by your own now we'll come to this you have already studied in your previous class about the globe in the second class in the third class you have you must have read about the globe the globe is a स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ ग्लोब क्या होता है एक तरीके का नमूना होता है अर्थ का जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है विद द हेल्प ऑफ द ग्लोब वी कैन अंडरस्टैंड एंड स्टडी द अर्थ बेटर अर्थ के बारे में हम अच्छे से जान सकते हैं क्योंकि वो हमारे सामने होता है अर्थ को तो हम नहीं देख सकते ना सो so, एक नमूना बनाते हैं एक मॉडल बनाते हैं जिससे हम अर्थ के बारे में सब कुछ जान सकते हैं ईजिली Let us learn more about a globe. Ab is globe ke baare mein Our first topic is latitudes. <coughs> you know that the equator divides the earth into northern hemisphere and southern hemisphere. You have also studied that the northernmost point of the earth is called the north pole and the southernmost point is called the south pole. ओके यू नो कि अर्थ को दो भागों में डिवाइड किया गया है किससे इमेजिनरी लाइन होती है एक इक्वेटर उससे हम ऊपर का पोर्शन अलग होता है और उसका नीचे का पोर्शन अलग होता है ऊपर वाले पोर्शन को इक्वेटर से ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं नर्दन हेमिस्फीयर और नीचे वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं सर्दन हेमस्फियर ओके नर्दर्न हेमस्फियर का सबसे ऊपर का जो पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं नॉर्थ पोल और सर्दर्न हेमस्फियर का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं साउथ पोल आगे आगे डायग्राम से मैं आपको और क्लियरली समझाऊंगी ऑन द ग्लोब यू विल सी अ नंबर ऑफ लाइंस रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर ग्लोब पे क्या होती है बहुत सारी लाइंस बनी हुई थी इक्वेटर के पैरेलल पैरेलल मतलब जो आपस में मीट नहीं करती है जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ की है उसके पैरेलल एक और लाइन बना दी ये दोनों कहीं नहीं मीट कर रही हैं ये अलग अलग चल रही हैं दैट मीन्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर ओके नाउ दीज लाइन्स रन पैरलेल टू ई अदर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड आर कॉल पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स इनको पैरलेल ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है या लेटिट्यूड्स कहा जाता है ये कैसी लाइन होती है ये हॉरेजोंटल होती है ठीक है लेटिट्यूड्स नेवर मीट वन अदर अनादर ऑल लेटिट्यूड्स आर मार्क्ड इन डिग्रीज एंड आर मेजर्ड नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर ओके नाउ यू कैन सी दिस सबसे पहले बीच में इमेजिनरी लाइन क्या बनी है इक्वेटर इक्वेटर के पैरल लाइन्स बनी हुई है यू कैन सी दिस दीज आर लैटीट्यूड्स इनको क्या कहते हैं देयर आर ऑफ के कितने पैरल होते हैं वन एटी एंड नाइन्टी लेटीट्यूड्स टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड नाइन्टी लेटिट्यूड्स टू द साउथ ऑफ़ द इक्वेटर इक्वेटर के ऊपर नाइन्टी लेटिट्यूड्स हैं और इक्वेटर के नीचे भी 90 लेटिट्यूड्स हैं मतलब कि ऐसी लाइंस हैं ओके गिवेन अलोंग साइड इज अ टेबल दैट शोज ऑल द इम्पोर्टेंट लेटिट्यूड्स एंड वेयर दे आर ड्रॉन ऑन द अर्थ साइड में क्या दी हुई है टेबल दी हुई है और क्या बताया हुआ है यहाँ पर कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है सबसे पहले कौन सा लैटिट्यूड है द इक्वेटर ये है इक्वेटर जो बिल्कुल सेंटर में है मैंने बताया था ना कि अर्थ को दो भागों में डिवाइड करता है तो इक्वेटर ये वाली लाइन है कौन सी डिग्री पे है जीरो डिग्री पे है फिर है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर बना हुआ है और वो कौन कितनी डिग्री पे है ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ टू द इक्वेटर एंड ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ ऐसे लिखते हैं एन लिख दिया मतलब नॉर्थ द आर्कटिक सर्कल अब आर्कटिक सर्कल कहाँ है इसके भी ऊपर आर्कटिक सर्कल सिक्सटी सिक्स एंड हाफ डिग्री नॉर्थ ऑफ द क्वेटर इक्वेटर से सिक्सटी सिक्स एंड डिग्री ऊपर की तरफ है अब द नॉर्थ पोल, पोल कहाउथ पोल, पोल दो चीजें बताई थी मैंने एकदम एक्सट्रीम में क्या है नॉर्थ पोल तो नॉर्थ पोल कहाँ है नाइंटी डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर नाइंटी डिग्री एंड इसको ऐसे मेंशन करते हैं तो ये क्या क्या आ गया इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है अब आ जाते हैं हम नीचे की तरफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये जो लाइन है इसको क्या कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन एंड द सेम डिग्रीज वही सेम डिग्री है इक्वेटर से वो नीचे जा रही हैं उसके बाद क्या है एंटार्कटिक सर्कल एंड आर्कटिक सर्कल भी क्या है सिक्सटी सिक्स एंड अ हाफ जैसे ये था आर्कटिक सर्कल सिक्सटी सिक्स एंड अ हाफ डिग्री नॉर्थ था और ये क्या है साउथ है क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये क्या हो गया साउथ हो गया अब आ गया एकदम लास्ट में एक्सट्रीम दैट इज द साउथ पुल साउथ पुल क्या है नाइन्टी डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर और नाइन्टी डिग्री एस तो समझ में आ गया ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है ओके विल हैव अ क्विक चेक नाउ फिल इन द ब्लैंक्स द डैश नेवर मीट ईच अदर क्या एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है लैटिट्यूड्स सो विल राइट लै सॉरी लैटिट्यूड्स ओके नाउ ऑल लेटिट्यूड्स आर मार्क्ड इन डिग्री सारे लैटिट्यूड्स को किस में मार्क किया जाता है डिग्री में विल राइट द लैटिट्यूड्स अगेन ईयर सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू ऑल इज इट क्लियर सो नाउ आवर फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर वी हैव डन लैटिट्यूड्स जिसमें क्या था इक्वेटर था सेंटर में उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर्कटिक सर्कल नॉर्थ पोल और नीचे क्या था साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल दिस मच इज क्लियर नाउ विल कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ओके अवर नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर लॉन्ट्यूड्स इज लॉन्गीार्ट फ्रॉम लैटिट्यूड्स यू विल सी मैनी लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द South pole on the globe. These lines meet at the poles. They are called meridians of longitudes or longitudes. In all three, in all there are 360 meridians of longitudes. Okay. Latitudes were there? 180 degree hai na? 180 parallel lines thi. 90 degree. नॉर्थ में थी और नाइन्टी साउथ में थी तो दोज वर द लैटिट्यूड्स। नाउ वी हैव कम टू लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं ऐसी लाइन्स होती हैं लंबी लाइन्स लॉन्ग लॉन्ग इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर लॉन्ग मतलब लंबी सो वी कैन लर्न इट वेरी वेल एंड विल नॉट बी कन्फ्यूज अबाउट द नेम लॉन्गिट्यूड्स मतलब लंबाई में जो होती है तो लॉन्गिट्यूड्स भी कुछ लाइनें होती हैं जैसे ले, जैसे अब लैटिट्यूड्स हमने समझा था वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स भी लाइन होती है वो कहाँ से होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे बनी हुई होती है नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल पर ख़त्म होती है और ये जो लाइन्स है सारी लाइन्स पोल्स पे इकट्ठा होती हैं दे आर कॉल्ड मेरेडियंस ऑफ लॉन्गी उनको क्या कहते हैं मेरेडियंस ऑफ लॉन्गी और लॉन्गी खाली लॉन्गीट्यूड्स भी कह सकते हैं आप और या फिर मेरीडियंस ऑफ भी इन ऑल टोटल कितनी हैं थ्री हंड्रेड सिक्सटी मेरेडियंस ऑफ लॉन्गी और लैटिट्यूड्स कितने थे वन हंड्रेड एट्टी ठीक है नाउ दे आर आर टू इंपॉर्टेंट लै द प्राइम मेरेडियन एंड द इंटरनेशनल डेट लाइन Now we are going to read about this. Now, prime meridian. Okay, first we'll look at this what has been written here. Longitudes and latitudes are imaginary lines drawn by cartographers. Cartographers are people who are skilled in drawing maps. वो लोग होते हैं कार्टोग्राफर्स जो मैप्स बनाते हैं और ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं खाली ये सचमुच नहीं बनी हुई हैं अर्थ पे ये खाली इमेजिनरी लाइंस हैं जिससे हम अर्थ को अच्छे से समझ सकें द प्राइम मेरिडियन द प्राइम मेरिडियन रन्स थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी टू ग्रीन विच इन द यूनाइट किंगडम सो इट इज़ कॉल्ड द ग्रीन विच प्राइम मेरिडियन कहाँ से स्टार्ट होती है रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीन विच यूनाइटेड किंगडम में ग्रीनविच से स्टार्ट होती है इसलिए इसको ग्रीनविच मेरिडियन ही कहते हैं प्राइम मेरिडियन इज मार्क्ड ए ज़ीरो डिग्री आप यहाँ देख सकते हो यू कैन सी प्राइम मेरिडियन ठीक है तो प्राइम मेरिडियन को क्या मार्क किया गया है ज़ीरो डिग्री तो ऑल प्लेसेस आर मार्क्ड इधर ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन जैसे इक्वेटर में क्या था ऊपर था और नीचे था अब प्राइम मेरिडियन में क्या है जब जैसे कि ये लंबाई में काउंट हो रहा है तो इसमें क्या होगा ईस्ट और वेस्ट में होगा तो देयर आर 180 एटी लॉन्गिट्यूड्स टू द ईस्ट ईस्ट की तरफ 180 एटी हैं और वेस्ट की तरफ भी 180 एट्टी हैं तो इन सब को प्राइम मेरेडियंस कहते हैं और टोटल 360 हंड्रेड सिक्सटी है द इंटरनेशनल डेट लाइन अपोजिट टू द प्राइम मेरेडियन ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ इज़ वन एटी डिग्री ईस्ट एंड वन एट्टी डिग्री वेस्ट दीज टू लाइन्स ओवरलैप सो वन एट्टी डिग्री ईस्ट एंड वन एट्टी डिग्री वेस्ट आर द सेम जब ये इधर से ईस्ट और वेस्ट की तरफ होती है तो क्या होती है ओवरलैप होती हैं ओवरलैप जब होती है तो जहाँ पर ये ओवरलैप होती हैं दिस इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन इट पासिस थ्रू द पैसेफिकोशन वेन यू क्रॉस दिस लाइन द डेट चेंजेस ये कहाँ से पास होती है पेसिफिक ओशन से स्पेसिफिक क्वेश्चन से पास होती है हो, और आप जब आप इसको क्रॉस करते हो तो डेट चेंज हो जाती है तो इट इज़ वेरी क्लियर लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स लैटिट्यूड्स आर द स्ट्रेट लाइंस, हॉरिज़ॉन्टल लाइंस एंड इमेजिनरी लाइंस दैट हैव बीन मेड बाय द कार्टोग्राफर ऑन द ग्लोब टू अंडरस्टैंड द अर्थ करेक्टली सो नाओ वेल कम टू दिस टेबल द टेबल बिलो विल गिव यू अ गुड आइडिया ऑफ वॉट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गीर एज वेल एज द डिफरेंस बिटवीन द टू टेबल जो है ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गी के बारे में बताएंगी उनके डिफरेंस के बारे में है ना अब क्या है देर आर वन एटी पैरल लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स दे आर सिक्सटी थ्री थ्री सिक्सटी मेरेडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स लैट्यूड्स और लॉन्गी में ये डिफरेंस हमें समझ आ गया द लाइन्स रन पैरल टू द इक्वेटर फ्राम ईस्ट टू वेस्ट इक्वेटर से ईस्ट से वेस्ट की तरफ लाइन्स पैरल चलती हैं और ये कहाँ चलती हैं दीज लाइन्स रनस फ्राम नॉर्थ टू साउथ दीज लाइन्स नेवर मीट दीज लाइन्स मीट एट दोल्स ये लाइन तो कभी नहीं मिलती हैं जो इक्वेटर के बराबर हॉरिजोंटल चलती हैं लेकिन ये लाइन्स कहाँ पर मीट होती हैं जहाँ पर अर्थ का एंड होता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल पर दे आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ वो इक्वल लेंथ की नहीं होती हैं दीज लाइन्स आर ऑफ इक्वल लेंथ ये इनकी लंबाई बराबर होती है इनकी लंबाई क्यों बराबर नहीं होती है क्योंकि अर्थ बीच में से एकदम गूल है तो उसका स्पेस ज़्यादा है यहाँ पर फिर जैसे आप इस डायग्राम में देख सकती हो कि यहाँ पे पोर्शन ज़्यादा है तो इक्वेटर अगर यहाँ होगा तो इसकी लाइन लंबी होगी फिर यहाँ जब गया तो फिर से थोड़ा सा कर्व आया तो ये लाइन थोड़ी छोटी हो गई फिर यहाँ गई तो ये लाइन छोटी हो गई देन दिस दिस वी कैन सी एंड दिस ऑल्सो सो दीज लाइन्स आर दैट्स वाई नॉट इक्वल लेकिन लॉन्गीट्यूड में क्या है उसको अर्थ को पूरे को ही कवर करना है तो लाइन्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं लेंथ में दीज आर मेजर्ड इन डिग्री द इक्वेटर इज जीरो डिग्री दीज आर मेजर्ड इन डिग्रीज द प्राइम मेरेडियन इज जीरो डिग्री मेरेडियन द नॉर्थ पोल इज एट नाइन्टी डिग्री एन एंड द साउथ पोल इज एट नाइन्टी डिग्री एस इट इज़ द लॉन्गीट पासज थ्रू

और वेस्ट टू इंडिकेट वेस्ट ऑफ़ द प्राइमरी रि ये भी सही है क्योंकि वो ईस्ट और वेस्ट की तरफ होता है तो उसको ई और डब्ल्यू लिख के सिम्बलाइज करते हैं द नेशनल इंटरनेशनल डेट लाइन इज़ बोथ 180 एट्टी डिग्री ईस्ट एंड 180 एट्टी डिग्री वेस्ट ओके अब हमारे पास दोनों के डिफ्रेंसेज आ गए हैं नाउ द लॉन्गी मीट एट द लॉन्गी कहाँ मीट करते हैं एट द पोल्स है ना साउथ एंड नॉर्थ दिस इज क्लियर नाउ इन ऑल देर आर डैश मेरेडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी मेरेडियंट्स ठीक है ओके दीज आर द न्यू वर्ड्स लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स ऑब्जर्वेटरी नाउ आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन आवर लेसन इज कंप्लीट अगेन देयर इज अ रिकॉल Concept recall, a model of the earth, imaginary lines on the earth, imaginary lines con sihoti hai, latitudes, longitudes. Run parallel to the equator from west to east, run from north pole to south pole. The equator is zero degree latitude prime meridian is 0 degree latitude 90, de 90 latitudes to the north of the equator 90 to the south of the equator 180 longitudes to the east to the prime meridian 180 latitudes to the west of the prime meridian it is very easy and simple if you have any problem you can go through the lesson again and you'll find the answers so your homework today is you have to find out the time the first where we have started our lesson the first one, the time of India, time in New Zealand, time in Germany. You have to find the same time if you are finding 11 a.m. in India, then you have to find the same time. You have to find the time in New Zealand in the same time 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 in Germany. So it is very simple. Till then, take care, have a good time, and read it properly, and we'll go through the exercise in the next video.